सलमान खान ने दिया ईद का तोहफा अपने फैंस को, शेयर करी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ दिया। सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करी है। पोस्ट में नजर आते हैं वो ईद मुबारक देते हुए अपने सारे फैंस को। ईद पे जो है उन्होंने कुछ ऐसा तोहफा अपने फैंस को दिया है जिसके बाद उनका फैंस का जो प्यार है वो उनके लिए और भी उमड़ के आ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पिक्चर शेयर करी है। पिक्चर में वो और आमिर खान साथ में नजर आते हैं। फैंस ने बोला लेजेंड इन अ सिंगल फ्रेम, करके बहुत सारे प्यार मिल रहा है इस पिक्चर को लेके। और दोनों सेलिब्रिटीज को एक फ्रेम में देख के, दोनों एक्टर्स को एक फ्रेम में देख के बहुत लंबे वक्त बाद जो है लोग कह रहे हैं कि एक्टर्स आर यूनाइटेड अगेन बैक इन दैट सेम गोल्डन टाइम, करके बहुत सारे ओपिनियन शेयर हो रहे हैं। इस स्टोरी के नीचे जो है उन्होंने कुछ और भी चीजें लिखी थी, जिसके नीचे उन्होंने एक सुंदर सा कैप्शन भी लिखा था जिन्होंने बोला था, जिसमें उन्होंने लिखा था चांद मुबारक। और इस पिक्चर को उन्होंने शेयर किया था। इस पिक्चर में जो है सलमान खान एक ब्लैक कलर की शर्ट में नजर आ रहे हैं और जो आमिर खान है वो ब्लू कलर की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। दोनों के इस लुक को और प्यार को देखते हुए कई सारे लोगों को पुरानी वाली फिल्में जब उन्होंने साथ में काम किया था वो सारी फिल्में याद आ रही हैं। और इसको लेके जो है वो चाहते हैं कि वो दोबारा आने वाले वक्त में साथ में दिखे, वो दोबारा टाइम रिपीट हो जिसमें वो दोनों साथ में थे। तो क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में उनका जोड़ा यानी कि सलमान खान और आमिर खान साथ में दिखाई दे सकते हैं? क्या उनका जोड़ा लोगों को दोबारा पसंद आएगा, या फिर कुछ नई क्रिएशन में जो है अलग अंदाज में अगर दोनों की दोस्ती सामने आए या फिर तीनों खानों को साथ में दिखाया जाए तो मूवी कैसे होने वाली है? आपको तीनों खानों में से कौन से सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के जरूर बताएं। अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।